खबर जनपद उधम सिंह नगर की खड़ीमा से, जहां आशा स्वयं सहायता समूह बगुलिया की महिलाओं ने स्वरोजगार हेतु समूह के एक ही परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में समूह के सहयोग से गन्ना जूस की एक दुकान का शुभारंभ किया, जहां प्रदेश स्तर की महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास काफी कारगर साबित हो रहा है। अब महिलाएं किसी अन्य पर निर्भर न होकर स्वयं का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही है। इसी क्रम में महिलाओं ने आज समूह के ही एक महिला पति को स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर गन्ना जूस की दुकान का शुभारंभ किया। वहीं आशा स्वयं सहायता समूह की एक सक्रिय महिला कार्यकर्ता अनिता मौर्य ने बताया कि हम लोग समूह के माध्यम से समूह की महिलाओं को सहयोग कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही गाँव की भी जरूरतमंद महिलाओं को सहयोग कर उनको स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि समूह की महिलाओं के साथ गांव की अन्य महिलाओं को भी उत्थान एवं स्वरोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम औरतें भी कुछ काम कर सकती हैं और स्वयं आत्मनिर्भर हो सकती हैं। हमें अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आशा स्वयं सहायता समूह बगुलिया के द्वारा आज नई तहसील के सामने एक जूस सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती लीलावती देवी और अंजू मैडम ने बहुत ही बड़ा सहयोग किया और हम समूह की सभी औरतों ने मिलकर इसका आज शुभारंभ किया और हमने अपने ही समूह में कार्यरत सदस्य के पति को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें रोजगार दिया ताकि वह दिन भर जो भी काम करें और उसका शाम को वो पूरी जानकारी हमें देंगे। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमने टोकन सिस्टम की व्यवस्था की है, जिसमें टोकन के द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि दिन भर में जो भी बिक्री हुई है उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, अपनी जो भी लागत उसमें लगी है और जो भी हमारे वर्कर हैं उनकी जो भी मानदेय हमने तय किया है वो काटने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम समूह की 10 औरतों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस पैसे को हम फिर बैंक में जमा कर आत्मनिर्भर बनेंगे और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को हम स्वयं ही पूरा कर सकते। पहले क्या था, जब तक हमारे पास स्वयं सहायता समूह नहीं था तब तक हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जैसे बच्चों की फीस देनी है या इलाज का खर्च उठाना है या घर की अन्य छोटी मोटी ज़रूरतें, इसके लिए या तो हमें किसी साहूकार से ब्याज पे पैसे लेने की आवश्यकता पड़ती थी या पति से सहायता लेनी पड़ती थी कि आज हमें इतने रुपए की ज़रूरत है आप हमें दे दीजिए। जब से हमने स्वयं सहायता समूह का गठन किया है तब से हम स्वयं आत्मनिर्भर हैं। हम ना तो पति से पैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की मांग करते हैं और ना ही हम अपने किसी काम को करने के लिए उनसे कहते हैं कि आप हमारी ये मदद कीजिए। आज हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। हम अपनी समूह की 10 महिलाओं के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गांव की भी जरूरतमंद महिला की मदद करते हैं। आपका नाम? श्रीमती अनीता मौर्य है। मैं इस समूह की एकमात्र सदस्य हूँ, लेकिन मैंने महिलाओं को जब देखा कि महिलाएं हमारी समूह की परेशान है तब हमने ये निश्चय किया कि हमें समूह की महिलाओं को ऊपर उठाना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। यह सारी सोच के साथ हमने ये एक गन्ना जूस सेंटर का उद्घाटन किया है, जो कि आज बहुत ही सुनिश्चित ढंग से और सकुशल ढंग से प्रभावित